कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमिंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमिंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमिंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमिंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नगर पालिका भर्ती से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे होती है तो मैं आप सबको सबसे पहले मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी ने मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज किए कि भर्ती कब होगी, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन किए हैं कि क्यों ये भर्ती अभी नहीं करवाई जा रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इस भर्ती से रिलेटेड आपको जो जितने भी आपने मेरे पास क्वेश्चन जो पुटअप किए, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज किए, या फिर आपने जो मेरे पास यानी कि आपने मेरे पास जो कमेंट्स किए हैं जो मेरी यूट्यूब वीडियोस पर, तो उनको देखते हुए दोस्तों मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को देखिए एंड तक, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है नगर पालिका में, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पुटअप किए उसके जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो मैंने आपको पहले बताया 10,000 पदों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों अब वैकेंसी जैसे जैसे लेट हो रही है वैसे वैसे आपकी पोस्ट भी यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी करा देनी चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो इस भर्ती के रिलेटेड जो आपको मैं अभी डिटेल दे रहा हूँ आपसे, देखिए लगातार आपके जो मैसेज आ रहे हैं मेरे पास यही आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि जो ये भर्ती है ये कब कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, 2021 में जो इसकी डेट फाइनल हो गई थी, 2021 में ये भर्ती होनी है। ठीक है, 2021 में ये भर्ती होनी थी। ठीक है, लेकिन ये 2021 में ये भर्ती नहीं हो रही है। तो ये भर्ती क्यों नहीं हुई, सबसे पहले ये कारण। पहली बात तो इसका जो बजट पास हुआ था, वो बजट में कोई इसकी चर्चा नहीं की गई थी। दूसरी बात ये है कि अभी फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पे जुलाई में, यानी कि जून जुलाई के बाद में, मई के बाद में ये भर्ती होने वाली थी, लेकिन उस टाइम क्या है, लॉकडाउन की वजह से ये भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है इसकी, वो ये आ रही है कि 2022 में दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, 2022 का जो मई का बजट है उसमें इसको पास किया जाएगा, और 2022 की मार्च के बाद में इस भर्ती का जो नोटिस आउट किया जाएगा। ठीक है, 2022 की मार्च के बाद दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों ये मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी थी कि ये भर्ती अभी 2021 में नहीं होने वाली, 2022 में होगी। तो दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, भर्ती आपकी 2022 में होगी, 2021 में नहीं होगी। जो अभ्यर्थी, जो भी युवा इसकी यानी कि इंतज़ार कर रहे थे, उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा।